पिछले कई दिनों से भारतीय शेयर बाजार नए नए रिकॉर्ड बना रहा था और सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर रहे थे, लेकिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 500 अंक से अधिक गिर गया। वैश्विक बाजारों में भी भारी बिकवाली और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस के शेयरों को हुए नुकसान की वजह से बाजार के ये हालात हुए हैं। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स 501 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,165 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 135 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 17,613 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स में आईसीआईसीआई बैंक को लगभग 2% की गिरावट के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, मारुति, बजाज ऑटो, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व का स्थान रहा। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रेडीज, टाटा स्टील, सन फार्मा और नेस्ले इंडिया लाभ पाने वाले शेयरों में शामिल थे। पिछले सत्र में 30 शेयरों वाला सूचकांक 410 की गिरावट के साथ 59,667 पर और निफ्टी 106 अंक की गिरावट के साथ 17,748 पर बंद हुआ था। FII इंडियन कैपिटल मार्केट में प्योर बायर्स थे और शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने मंगलवार को 1,997.70 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एशिया में दूसरे प्रमुख शेयर बाजारों में शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सियोल के शेयर बाजार मध्य सत्र सौदों में भारी नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे, जिसके बाद पूरे विश्व भर में गिरावट देखने को मिली। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।